हाँ देखिए, 15-20 साल पहले ना, ये जाकिर नाइक का ये पूना कॉलेज में है हमारे यहाँ, उनका 3-4 दिन कंटिन्यूअस प्रोग्राम था, तो मैं जाया करता था। तो उस समय ज्यादा इस्लाम के बारे में हमें मालूम नहीं था, उनसे जो सुनते थे तो वही हम लोग समझते थे। लेकिन आगे चल के पता चला कि फिर हम महेंद्रपाल आर्या, जो एक खुद मौलवी थे और पिछले 40 सालों वेस्ट बंगाल में वो नामचीन मौलवी थे, और 40 साल से वो वेदों के ऊपर अभ्यास किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ उनको इस्लाम का और वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो उनसे जब हमको ज्ञान मिलने लग गया, उनसे जब बातचीत होने लगी, तो पता चला कि अरे ये तो वो हमेशा कहते थे कि आपको यू शुड गो बैक टू वेदास, वेदों के तरफ हमने जाना चाहिए। वेद वेद मतलब ज्ञान का भंडार, जहाँ मनुष्य मात्र की सेवा की बात की है, वहाँ कीट पतंग पशु पक्षी सबकी सेवा की बात है। वहाँ वो कंपैरेटिव स्टडी करते जो है, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो मजहब होते हैं, धर्म और मजहब में फर्क उन्होंने समझाया कि भाई धर्म तो होता है, जैसे अगर आप डॉक्टर हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आपके जितने भी पेशेंट है उनको आप उनकी शुश्रूषा करें। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं मेरे जो आसिल है उसको न्याय दिला दूं। हाँ, तो यानी धर्म 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 का अवडंबर हमको अभी तक समझ में नहीं आया। तो वेदों में ये चीज बताई है कि भाई आप मनुष्य मात्र की भी सेवा करनी चाहिए। उसने नहीं कहा कि मजहब में जैसे बताते हैं, अभी अगर कुरान है तो सिर्फ वो मुसलमानों के लिए है, लेकिन वेद सबके लिए है क्योंकि वो सबकी बात करता है। लेकिन यहाँ पे या क्रिश्चियनिटी में भी वो पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करता है, लेकिन वेदों में। तो ये विशालता जब मेरे समझ में आने लग गई कि भाई सनातन का मकसद जो हजारों सालों से चलते आया हुआ है, अगर हम हर एक जनरेशन 50 साल के भी लगा दे तो 500 जनरेशन तो हो ही है, तो 500 × 50 तो 25,000 साल तो वैसे ही हम पीछे जा सकते हैं। तो सनातन बहुत पुराने मतलब ये चलते आया हुआ है, और वो वेदों का ज्ञान जो है ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है कि भाई ये चीजें अच्छी है, कि भाई ये आप पौधा लगाओगे तो। उस समय तो कोई ये नहीं था कि साइंटिफिकली नहीं बता, उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने उसको थोड़ा रिलीजियस गार्ड दिया। जैसे महाराष्ट्र में एक ये होता है कि बड़ का दरखत जो नववधू होती है उसको वो पौधा घर के सामने लगाने का एक रिवाज होता है, और उसको डेली उसको पानी डाल के उसका सेवा करना है। लेकिन आजकल तो सब फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में तो कोई बड़ा होता नहीं है, तो साल में एक बार कोई बड़ा बरगद का दरख दे के उसकी पूजा करते और सेवा करते हैं। और मैं तो पेपर में अभी पढ़ रहा था कि हेमा मालिनी ने बंबई में मरीन ड्राइव जहां भी वो रहती है, तो उसने उस सीमेंट का बरगद का दरखत बनाया और उसकी सेवा करी कि मेरे को यही हस्बैंड 7 जन्म चाहिए। अब वो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, बट इसका कारण ये था कि हमारे ऋषि मुनियों ने बरगद का दरखत या पीपल हो या और अभी समय कम है तो इसमें मैं सिर्फ बरगद और पीपल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो दरखत है ये ऑक्सीजन ज्यादा प्रमाण में देते हैं। जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए ये हजारों साल पहले बात हुई है। तो ये सनातन संस्कृति में ये जो चीजें हैं, हम पंडित जी से अच्छा, सुनकर हमें यहाँ समझ पर में। देखिए, यहाँ पर देखिए, कर्नल साहब के बरगद पीपल ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी पीपल ऑक्सीजन देता है। ये देखिए, सनातन संस्कृति की साइंस, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हजारों साल पहले ये निचोड़ ला के रख दिया कि ये जो है पीपल रात को भी ऑक्सीजन देता है। हाँ, और वहां पर इसको पूजने के नाम पर जाके लोग इससे प्यार करें, पीपल बोए, है ना। गंगा देख जी लीजिए, 100 साल तक भी जी पानी गंगा का खराब नहीं हो सकता। तो वहां पर एक धार्मिक आस्था जोड़ दी गई ताकि लोग गंगा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। एक पवित्र नदी है, ऐसी नदी है जो कोई इसके जैसी कोई दूसरी नदी है नहीं है। तो ये देखिए, उन लोगों ने कैसे अंदाजा लगा लिया था, ये क्या है सनातन संस्कृति की। मैं तो तो बाप रे वही मैं बाप कहता कभी हूं, सोच के चौंक जाता हूं। सनातन संस्कृति पूरा साइंटिफिक है। उसमें देखिए, उसमें ये मूर्ति पूजा वगैरह नहीं है, वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन
जैसे अभी आपने गंगा का उदाहरण दिया, तो नदी भी हमारे माँ जैसी होती है, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कृतियां हैं नदी के साथ में हुई है, तो नदी हमें पानी देती है। उसके कारण हमारा जो पहले जमाने में एग्रीगेशन सोसाइटी हुआ करती थी, तो ऑब्वियसली नदी को भी हम माँ कहते हैं। तो अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब छोटा था, मैं 53 की बात कर रहा हूँ, 1953 की, मेरा 47 का जन्म है। तो हम जब माँ के साथ में, हम कराड़ करके एक जगह है, तो वहाँ कृष्णा नदी बीच में आती है। तो वो नदी आते ही ना, वो पहले जमाने में वो छेद वाला तांबे का पैसा हुआ करता था, तो वो सब लोग पानी में डालते थे। तो मैंने कहा, ये क्यों क्यों ऐसे कर रहे हैं, नदी में क्यों डाले जा रहे हैं, पागलपन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे को ये समझाया कि देखिए, नदी भी हमारे माँ जैसी है, और ये तांबा जो है उसके अंदर ऐसे गुण है कि वो गंदे पानी को साफ करता है। तो खैर, हम सब पानी तो साफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से ये जो हम लोग जो कॉइन फेंक रहे हैं पानी के अंदर, तो उससे थोड़ा बहुत तो पानी साफ हो जाएगा। तो ये सब साइंटिफिक है। तो ये सब हमारे पूर्वजों ने ये चीजें बताई हुई है। यहाँ तो सब मनुष्य मात्र की सेवा, जैसे इवन गाय की भी बात करो, लोग बाग गाय के बारे में भी लोगों को गलत फहमी होती है। अरे, गाय के पेट में 33 करोड़ देवता है, वगैरह वगैरह। ये इसको सिर्फ रिलीजियस गार्ड दिया है हमारे पूर्वजों ने, या हमारे ऋषि मुनियों ने। अरे, गाय क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सबके लिए, इंसानियत के लिए? क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है, वो भी माँ जैसा ही है। गाय का दूध और अपने माँ का दूध, मतलब दो माओं का दूध एक जैसा होता है। इसलिए छोटे बच्चे को अगर माँ का दूध ना मिले, तो उसको गाय का दूध देते, उसको भैंस का दूध नहीं देते, ना बकरी का जी देते, जैसे बिल्कुल गांधी जी पीते थे बकरी का, तो बकरी का दूध नहीं, गाय का ही देते हैं। तो गाय का दूध और अपने अम्मा का दूध एक जैसा होता है। तो अभी गाय की विशिष्टता यह है, उसको हम कामधेनु कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय से बहुत फायदा होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण फायदा यह होता है, गाय इस साल अगर बछड़ा दे, तो अगले 6 महीने में अगर उसको काट के आप खा जाओगे, तो दूसरा बछड़ा कहाँ से मिलेगा? और दूसरा बछड़ा आपको चाहिए बैलगाड़ी चलाने के लिए, चाहिए और चलाने के लिए, चाहिए हल चलाने के लिए, चाहिए। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने उसके अंदर ऐसे एक रिलीजियस गार्ब जिसको दिया, इसको धार्मिक टच दिया। हालांकि गाय के पेट के अंदर कोई देव वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये टेक्निकल बात है। लेकिन लोगों को अगर समझा देते कि नहीं 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 गाय सर। का ये देखिए, उपयोग है, इसलिए इसमें इसको एक मत। चीज ये है, नहीं, इसमें एक चीज ये कहूंगा, जब ये इतनी फायदे की चीज है, लोगों को कुछ किसी तरह तो उससे जोड़ा जाएगा ना, तो उस तरह से जोड़ा गया ताकि गाय से प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े गाय से, है ना। तो ये भी कोई गलत बात नहीं मेरे ख्याल से, एक चीज कोई अच्छाई फैला रही है ना, तो रक्षा बढ़ रही है गाय की। तो आज नहीं, जो उसका बची हुई है उस गाय, एक चीज ऐड कर दूं, अगर ये चीज ना हो कही जाती कि गाय के पास ये चीजें हैं, ये दिव्य शक्तियां ऐसे ऐसे हैं, तो आज ये पूरी गाय हिंदुस्तान से खत्म कर दिए होते हमारे मोमिन लोग खा खा के। तो ये भी नहीं एक अच्छी देखिए, चीज है, इसकी वजह से गाय की रक्षा हो रही है, ये कहूंगा। हाँ, तो गाय के अलावा, गाय का तो हर चीज का इस्तेमाल, मतलब जैसे वो डेली आपको गोमूत्र देती है, हाँ, गोबर देती है, वो खेत में चला जाता है। अच्छा देखो, हम छोटे थे तो हम गांव जाते थे, तो गाय मरने के बाद में भी उसका जो स्किन होता था, उससे वो मोट बनाया करते थे, जिससे पानी ऊपर लेते थे। उन दिनों में मतलब आपके उस समय ये डीजल इंजन वगैरह नहीं हुआ करते थे। आप आवाज सुनाई दे रही? हेलो, जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, बीच में कॉल आ रहा है। तो गाय मरने के बाद में भी गाय का जो स्किन होती है, उससे वो मोट बनाया करते थे। उस समय डीजल इंजन नहीं थे, पहले जमाने में नहीं हुआ करते थे। और गाय मरने के बाद में भी हमारे यहाँ प्रथा है, या अपने सनातन सत्य में प्रथा है, कि अपने घर के सामने गाय को जमीन में जब दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है पता है, कि उसके ऊपर ड्रमस्टिक जो लगाते हैं, मतलब एक दरखत जो होता है, उसमें बड़ी फली आती है, वो बहुत आती है। तो वो खाने से आपके सांबर वगैरह में, आपने देखा होगा सांबर में ये डालते हैं अभी भी जो, तो उसका मकसद यही होता है कि गाय का उपयोग इतने सारे हैं, तो इसको रिलीजियस गार्ड दिया हुआ है। बाकी सही मायने में उसमें कोई देव नहीं है ना कुछ नहीं है। तो ये
मोमिनों में भी समझना चाहिए और हमारे भाइयों ने भी समझना चाहिए, क्योंकि हमें सनातन का ही अर्थ मालूम नहीं। लोगों को लगता है सनातन यानी पता नहीं क्या है, सनातन ये पूरा साइंटिफिक है। आवाज सुनाई दे रहा है इमरोज भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से। हाँ हाँ एक मिनट, पता नहीं फिर वापस। हाँ तो ये सब साइंटिफिक है हर चीज के लिए। अभी अपने पास इतना समय नहीं है, ऑलरेडी हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये सनातन पूरा साइंटिफिक है, यहाँ किसी के भी गर्दन के ऊपर मतलब सर से तन जुदा वाली कहीं भी बात नहीं है, हमारे यहाँ वो बात नहीं है। तो ये चीज है जी बिल्कुल, समझ के, ये चीजें सब समझ के मैंने छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड नामक एक और एक क्रांतिकारक संगठन स्थापन किया। जैसे ग्रीनथम भी क्रांतिकारक है, दुनिया में किसी ने भी डैम आज तक साफ नहीं किया और हम 5,000 डैम साफ करने के लिए हम खुद प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास हम लोग अप्रोच हो रहे हैं कि अगले 10 सालों में लोकसभा से हम लोग वो करेंगे, तो वो भी क्रांतिकारक काम होगा। और आपके हर साल 50-60 हजार करोड़ यूरिया की सब्सिडी बचत हो रही, तो ग्रीनथम में वो क्रांतिकारक काम है। दूसरा ये छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड भी एक प्रकार से हम कहें कि क्रांतिकारक काम इसलिए है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ ये क्यों मैंने शुरू किया। कि देखिए आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का सब हम लोग नमन करके बड़ी हमें प्रेरणा मिलती है। शिवाजी महाराज जो मुसद्दी थे, हुशियार थे, अच्छे घुड़सवार थे, उनका शरीर अच्छा था, बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ था। तो उनका नाम लेके लोगों ने काफी अपना अपने पॉलिटिकल पार्टियां भी चलाई है। तो मैं सोचा कि अब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके क्या हम सब कुछ समाज के प्रति कुछ कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारे जो मोमिन है, मुसलमान जो है, वो खुद को माइनॉरिटी कहते हैं। अभी माइनॉरिटी कौन होना चाहिए? योनो के राइडर के मुताबिक माइनॉरिटी होनी चाहिए जो उस कौम की 1% या 1.5% आबादी हो। तो अभी यहाँ तो 20-22% खुद ही बोल रहे हैं कि हम 22% है, 25% है। तो अब क्या होता है जब ये खुद को माइनॉरिटी कहते हैं तो और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम जाहिलियत, उससे जहलपन आ जाता है। अभी देखिए उदाहरण मैं देता हूँ, अभी यूपी में कई बच्चों ने किसी के मुसलमान बच्चों पे रंग डाल दिया होली के समय, तो रात को आके उन्होंने बच्चों के हाथ पांव काट दिए। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो जहालियत जो ये हमारे मुस्लिम भाइयों में आई हुई है, तो उनको मैं ये सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि भाई देखिए बैरिस्टर जीरा ने कहा 1947 में कि भाई हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, हमारा पहरावा अलग है, हम छोटे भाई का भी पैजामा पहनते हैं, बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं और फिर टोपी भी लगाते हैं, तो हमको अलग देश चाहिए। गांधी नेहरू ने बोल दिया ठीक है आप ले लो देश भाई, इलेक्शन लड़ाओ कराओ, इलेक्शन हो गया, 100% ने बोला हमको चाहिए नया देश पाकिस्तान। अरे बढ़ गए कितने? 2% भी नहीं गए, बाकी तो सब यही रह गए। और फिर एक अच्छा हैदराबाद सर, से कोई आता है और वो कहता है कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ को ऐसे की तैसी कर देंगे। जी तो ये बचपना जी है। सर, तो कहने का मेरा कहने का मकसद ये है कि जी पाटिल जी, यहाँ पर एक जी बड़ा प्यारा कमेंट है गाय के हवाले से। हालांकि बात को बीच में दूसरी बात जोड़ रहा हूँ, यह नहीं ठीक नहीं भी नहीं है बोलिए लेकिन ये बोलिए पढ़ना अच्छा लग रहा है। वो लोग लिखे बोलिए। कि मेरी घोड़ी डिलीवरी में मर गई थी और बच्ची बच गई थी। मैंने घोड़ी की के बच्ची को गाय का दूध पिलाया तो वो बच्ची आज बड़ी घोड़ी बन गई। सच में गाय के दूध में अमृत है। सही बात है, गाय के दूध में अमृत है और हमारे माँ के दूध में भी अमृत है। देखिए ना, हमने आपने भी और हमने भी बचपन में माँ का ही दूध पिया हुआ है, ना भैंस का पिया हुआ है, अगर जरूर पड़ी तो खैर गाय का दूध पिया करते थे। एनीवे बड़ी अच्छी कमेंट है, आपका अभिनंदन भाई साहब, मैं देख नहीं पा रहा हूँ किसने बात की है। तो मैं ये कह रहा था कि तो उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है कि 2% भी नहीं गए, तो अगर 2% रहे यहाँ रह गए तो आप वंदे मातरम कहिएगा, जनगणमन कहिएगा। अभी हम पानी के ऊपर जो काम कर रहे हैं तो वो क्या सिर्फ कई लोगों के लिए थोड़ा कर रहे, सबके लिए कर रहे। तो इस जमीन के से आप पूरा अन्न धान्य खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो आप यहाँ वंदे मातरम कहने के लिए क्या शर्म आती? भारत माता की भी जय नहीं आप कहते, आप अलग थलग रहना चाहते हो। और आप जितने कॉम्पैक्ट हो जाते हो, आप इतने सुकड़ जाते हो, तो उसके कारण आपके अंदर जहालत आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस देश को अगर विश्वगुरु बनाना है
तो पूरे मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना जरूरी है, उनको कॉम्पैक्ट नहीं होना देना चाहिए, उनको अलग सबके साथ आना चाहिए, तब जाके विश्व गुरु होगा। अरे आपको पता है ये दुनिया, मैं अभी अफगानिस्तान गया था 4 साल पहले, वहां भी हमने उधर डैम, हमारे देश ने डैम बनवा दिया है, उनका यूनिवर्सिटी बना दिया है, उनका पार्लियामेंट बना दिया है। तो वहां के हम लोग कितने थे, अखंड भारत 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये देश था, वहां से लेके अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक ये देश था, इतना बड़ा ये अखंड भारत था। तो देखो टूटते टूटते आज 47 में भी इन्होंने तोड़ दिया, और अभी कई ये शाहीन बाग में बैठे हुए थे, वो भी तो देश तोड़ने के वाली बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है वहां के लोग क्या कहते हैं पता है, अब हमने वहां तो बामियान भी देखा, बामियान की सब मूर्तियां मूर्तियां तोड़ी, वहां अपनी सनातन संस्कृति थी, अपने सनातनी है अभी भी वहां पे कई लोग। तो वहां के लोग आज के दिन में क्या कहते हैं कि भाई एक ही जगह जहां से खुशबू आ रही है वो है हिंदुस्तान, और दुनिया का आत्मा बोले हिंदुस्तान, और सही मायने में ये आत्मा था। दरअसल आपको बताएं हुजूर क्या है, इनको जो है ना यहाँ की आबादी ज्यादा है, किसी भी तरह से पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाओ, इन्हें कलमा पढ़ाओ, इन्हें ये मोहब्बत दिख रही है हिंदुस्तान से, ये खुशबू आ रही है कि लोग बहुत सारे हैं, इन सबको मुसलमान बना दो और जन्नत में पहुंचा दो, ये वाली बात है इनकी। दरअसल जो आपने बात कही इन्हें साथ में लेकर चलना, तो ये किसी के साथ में, देखिए हिंदू कब इनको पीछे कर रहे हैं, जो भी काबिल इंसान होता है, शाहरुख खान को इतना प्यार दे रहा दिया इस देश ने, दिलीप कुमार को, मोहम्मद रफी को, और एपीजे कलाम साहब पे तो हद है ना, जो जिस काबिल हुआ साथ में मिलके चलना चाहा, तो प्यार दिया कि नहीं दिया, कब किसके साथ सनातनियों ने, हिंदुओं ने के वो किया कि भाई तुम जो हो तुम्हारा देश नहीं है, बहुत प्यार दिया। दरअसल ये प्यार लेना ही नहीं चाहते, इन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे मोमिन हो और कोई दूसरा ना हो हमारे अलावा, और फिर जब यही रह जाते हैं तो अपने भाइयों के भी दुश्मन हो जाते हैं, फिर बाद में ये कि अपने ही तू शिया तू सुन्नी तू ये कह के आपस में मारने काटने लगते हैं। तो इन्हें साथ में लेकर तब तक नहीं चला जा सकता जब तक के इनकी रगों से इस्लाम नहीं निकलेगा। जी कहिए आगे। नहीं मैं तो समझता हूँ, देखिए दुनिया में जैसे इन्होंने कहा ना ये दुनिया का आत्मा है, दुनिया का सितारा है, तो बात तो सही है। अभी देखिए 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने भी लिखा हुआ है रानी को, उधर उस समय खत लिखा था, बोले ये देश इतना सुंदर देश है, हर घर में दिवाली जैसा है, हर घर में पूरा सोना, ये वो, इतने लोग अच्छे हैं, यहाँ का सनातन संस्कृति इतनी अच्छी है कि इनका गुरुकुल, छोटा से छोटा गुरुकुल जो है उसमें 200 बच्चे होते हैं, और गुरुकुल में सब साइंटिफिक बातें वो बताते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा देश है कि यहाँ तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप उपराष्ट्रपति बन सकते हो, आप क्रिकेट का कैप्टन बन सकते हो, आप गवर्नर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। क्या ये पाकिस्तान में मुमकिन है? नहीं। अरे पाकिस्तान में तो 17% है, आज 1% भी नहीं रहे हमारे बच्चे, लेकिन यहाँ तो अभी खुद ही यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम 5 करोड़ थे तो हमने लड़के लिया पाकिस्तान, अब तो हम 25 करोड़ हो गए, हम तो हंस के लेंगे। अरे ऐसी क्यों बातें करते हो, प्यार मोहब्बत से रहो, आप मुख्य प्रवाह में आओ, इस देश को और महान बनाइएगा। अभी मैं अमेरिका में जब मेरे को बुलाया था ये ग्रीनथम का खड़कवासला डैम के बारे में प्रेजेंटेशन के लिए, तो वहां मेरा बिल गेट के साथ एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें बिल गेट तो यही कहता है कि भाई अगर आपको बोले वी आर सुपर पावर ऑल राइट बट वॉच आउट, जो ऑडियंस था उसमें अपने इंडियंस बहुत सारे थे, एशियन भी थे, और वहां पाकिस्तानी भी बांग्लादेशी भी बच्चे थे, लेकिन वो वहां बताते कि हम इंडियन है इंडियन है वो, एनीवे तो सब वहां बैठे हुए उनके भी बच्चे बैठे हुए, तो ये कहता है कि बिल गेट कहता है कि वी आर सुपर पावर ऑल राइट बट वॉच आउट देर इज अनदर कंट्री विच इज एमर्जिंग एज ए सुपर पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और उसने हमारे जो बच्चे बैठे हुए थे उनके तरफ हाथ किया, तो वो भी ये सम्मान कर रहे हैं। और आगे चल के वो क्या कहता है पता है इमरोज भाई, वो ये कहता है कि अगर तुमको दुनिया की सिविलाइजेशन सही मायने में देखनी है तो आप भारत वर्ष चले जाओ। अभी मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मैं एज अ सीनियर सिटीजन मैं ये समझता हूँ, एक उदाहरण मैं अपने समझ से आपको बताना चाहूँ। अब देखिए बम्बई में, आप बम्बई में रहते हो अपने बता, जहां भी रहते हो, तो वहां जब 5 साल पहले मुंबई बता दे, मुंबई छोड़ दिया मैंने, अब दूसरी जगह पर हूँ मैं सर। हाँ जो भी है आपका लोकेशन मैं बताना नहीं चाहिए, पता नहीं जो भी है। नहीं, अब तो मैं हूँ ही नहीं, मुंबई को पिछले दिनों त्याग दिया,
मैं तो लिखा था कि कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि घर परिवार अपना शहर छूटा, आज मुंबई भी छूट गया। तो मुंबई से अब दूसरी जगह पर हूँ, ठंडा इलाका, थोड़ा इतना यहाँ ठंड कम है तो ठंड का है यहाँ पर ज्यादा, मुंबई में तो इतना नहीं होता। जी हाँ, तो बम्बई में काफी बाढ़ आई थी 4-5 साल पहले। तो देखो, अब छोटे बच्चे, हमारी बहनें कहीं ऑफिस में अटके, कहीं स्कूल में अटके, तो 3-2 दिन उनके लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, हमने सबकी सेवा की, उनको खान पान खिलाया। और दूसरे दिन जब बारिश, मतलब पानी का कम हुआ, तो अपने अपने घर छोड़ दिया। तो उन्हीं दिनों में अमेरिका में कैथरीना हुआ, और जिस दिन कैथरीना वहां हुआ, उस दिन वहां कैथरीना खत्म होते ही लूटमार हुई, पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर और ये वो तोड़ताड़ के सब सब लूट लूटमार हुई। ये पेपरों में है, मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं। तो वहां और यहाँ ये फर्क है। हमारे यहाँ अध्यात्म है, पिछले 1000 सालों से तुर्की आए, अफगानी आए, ब्रिटिश आए, पुर्तगीज आए, सब आए, हमने सबको हाथ जोड़ के यहाँ उनकी सेवा की। अरे, मैं अफगानिस्तान गया था, पाकिस्तान भी 2 बार जाके आया हूँ। तो वहां से जब लोग इधर आते थे, अफगानिस्तान से या तुर्कस्तान से, तो वहां लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है आज के दिन में। अब यहाँ आओ तो सात सप्त तो सिंधु मिल गए आपको, या पानी पानी है तो कौन जाएगा बाहर। तो कहने का मकसद है, इससे अच्छा सुंदर देश दुनिया में कोई दूसरा कोई नहीं है। यहाँ कुछ भी जी बोले जाओ, कुछ बिल्कुल भी करो, बिल्कुल कोई कोई माँ बाप वाली बात है, हम सबको हाथ जोड़ के हम अच्छा हर एक की सेवा करते हैं, हम किसी का जी सर जी से तन जुदा नहीं करते। इमरोज भाई, अच्छा थोड़ा सा अब यहाँ पर आ जाते हैं। जब वो इनका आपके ऊपर असर हुआ था, इनका अपने डॉक्टर जाकिर नालायक साहब का, तो उससे पहले मैं एक कमेंट यहाँ पर हाईलाइट कर दूं। राकेश जाट लिखते हैं, ओवैसी बोलता है कि गर्दन पर छुरी रख देंगे देंगे जब भी, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, लेकिन उसने संसद में बोला जय भीम जय मीम, तो उसका इस्लाम आड़े नहीं आया। तो दरअसल मैं इनको भाई को रिप्लाई कर दूं एक छोटा सा कि जय भीम जय मीम इसलिए कि इनको जितने भी दलित समाज के लोगों हैं अपनी साइड लेके किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो जाएं, और जब इनको साथ में ले लेंगे तो फिर आराम से बहुत प्यार से खतना शरीफ करा देंगे। ये मसला है, एक साथ दो दो चीजें हो जाएंगी, सत्ता भी मिल जाएगी और इस्लाम भी आबाद हो जाएगा। जी सर, डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में, सॉरी नालायक हाँ साहब के बारे में बताइए। हाँ नहीं, देखिए, ये अभी ये जो हमारे भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा था, वो सही बात है कि ये हमारे, ये भोले भाली हमारी जनता जो है उसको ये, देखिए, पाकिस्तान में आज कौन बचा हुआ है? 17% में से 1% जो भी बचे हुए है, तो ये हमारे दलित भाई है। दलित में शब्द मैं बोलना उचित नहीं समझता, मैं हेट करता हूँ, क्योंकि ये तो उनको इसलिए उन्होंने रखा हुआ है कि उनके गंदगी साफ करने के लिए, बाकी को तो भगा दिया। बांग्लादेश में भी वही स्टोरी है। तो हमारे यहाँ सही मायने में, इमरोज भाई, हमारे जो प्रेक्षक देख रहे हैं, हमारे यहाँ गुण व्यवस्था थी। जैसे मैंने इससे पहले कहा, हमारे यहाँ जाति है हमारा शब्द नहीं है, हमारे यहाँ गुण व्यवस्था थी। यानी हम जब पैदा होते हैं तो हम क्षुद्र जाने जाते, क्षुद्र यानी, शूद्र का भी अर्थ हमको अच्छे तरह से नहीं बताया जाता। शूद्र का मतलब ऐसे कोई बेकार टाकाऊ नहीं, शूद्र का मतलब अज्ञानी, बचपन, अभी मालूम नहीं है क्या है। और शूद्र से आप ऊपर ऊपर जब आप चलते हो, तो जिसको मराठी में भी हम कहते हैं वाल्या कोळी, जो कोळी समाज का जो था वो ऋषि भी बन गया। तो बहुत सारे उदाहरण है। तो हमारे यहाँ गुण व्यवस्था थी, डिविजन ऑफ लेबर था, ठीक है ना। अभी जैसे है, मैंने 64-65 में जब मैं कॉलेज में था, तो उस समय मैंने आंदोलन किया, इसलिए कि जब मेरा फॉर्म के ऊपर उन्होंने बोला कि तुम्हारी जात लिखो, तो मैंने उसके ऊपर विरोध किया, तुम्हारा सरनेम लिखो, मैंने विरोध किया। मेरा नाम वहाँ पी सुरेश लिख दिया, पाटिल सुरेश, तो पी सुरेश। तो मैंने कहा आपको वी शांताराम चल जाता है, सी रामचंद्र चल जाता है, पी सावलाराम चल जाता है, तो पी सुरेश क्यों नहीं चलता। तो उस समय 64-65 में मेरे ऊपर बहुत सुंदर आर्टिकल आया था। तो मैं फौज में पी सुरेश नाम से जाना जाता था। तो मेरी मेरी आइडेंटिटी पूरे भारतवर्ष की थी। अब आप बंबई में और पुणे में आने के बाद में, महाराष्ट्र में आने के बाद में, आप लोग पाटिल पाटिल करते हो, तो मैं अभी महाराष्ट्र के लिए सीमित हो गया। और कई कई संगठनों ने कहा कि नहीं, हम तो मोर्चा निकाल रहे, कर्नल साहब आप आने से तो बड़ा अच्छा होगा,
या विशिष्ट समाज के लिए। मैंने कहा मैं अगर आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं और छोटा हो जाऊंगा, मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं इंसानियत की काम जो सनातन हमारी संस्कृति जो है वो हमें जो सिखाती है, हमारे यहाँ गले काटने की बात ही नहीं है। देखिए हमारे हमारे यहाँ भी रिफॉर्म्स जी काफी होते हैं, सती प्रथा थी और क्या था, बाकी हमारे जो दर्शक है सब जानते हैं, लेकिन ये बात दोबारा ये करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मनुष्यवाद भी हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में हम क्या करते हैं, हम नारियल तोड़ते हैं। नारियल इसलिए तोड़ते हैं कि वो एक एक जैसे कहते हैं ना, ये पशु या मनुष्यवध के जगह पे ये देते हैं, और उसमें से जो खोबरा निकलता है, जो पानी निकलता है, वो आपके जैसे जो लोग होते हैं उनको देते, पीने के लिए खाने के लिए देते हैं, उससे आपका पेट भी साफ होता है। तो हमारे यहाँ ये हमारे संस्कृति में ये सब कुछ साइंटिफिक है, लेकिन हम लोग क्या है, अभी बहुत सारे लोग पाद्य पूजा में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो वेदों में हमेशा जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि भाई वी शुड गो बैक टू वेदास, और वेदा मतलब वो विचारों का ज्ञान का भंडार है। अभी देखिए अपने यहाँ नालंदा और तक्षशिला थे, नालंदा के तो 6 महीने किताबें जल रही थी, 1.5 करोड़ किताबें 6 महीने जल रही थी। अब देखिए हमारे लोग इतने नालायक है, उन्होंने वो वहां वो रेलवे स्टेशन है उसका नाम रख दिया बख्तियारपुर। अरे वहां तो ज्ञान भंडार था, दुनिया के लोग यहाँ आते थे। हमें झूठ बताया जाता है कि आर्यन थेरी आर्यन थेरी, अरे आर्य का मकसद क्या है, आपके जैसा ज्ञानी विचारवंत साहसी धाड़सी, उसको आर्य कहते हैं। आर्य बाहर से नहीं आए थे, आर्य यहाँ से बाहर दुनिया भर गए हुए थे। तो ये आर्यन थ्योरी भी हमें गलत सिखाया, और उसका कारण सिर्फ एक है कि हमारे यहाँ हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, मैं बहुत सारों को पूछता हूँ, लोगों को बहुत सारों को पता नहीं होता, लेकिन आपके ऑडियंस को जरूर मालूम होगा, जो मौलाना था जिसका जन्म 1888 में मक्का मदीना में हुआ, वो 1902 में कलकत्ता आया, वो कोई स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं गया, मदरसों में गया, और मदरसों में तो आपको पता है क्या सिखाते, फिर वहां उसके तो नाम गजवा से हिल शिक्षा सिखाते। दिवस वो मनाया जाने लगा, फिर उसके नाम से तो शिक्षा अरे दिवस मनाया जाने लगा। उसको तो इन्होंने भारत रत्न दिया, और उससे बाद के चारों जी एजुकेशन मिनिस्टर यही थे, एमसी छागला, हुमायूं कबीर, और दो जन है। तो कहने का मकसद है हमारा इतिहास में पूरा मिलावट हो गई, हमारे वेदों में भी उपनिषदों में भी मिलावट हो गई। अभी जब जैसे ब्रिटिश लोगों ने जब वो रानी को पत्र लिखा था ये मकल ने, तो उसके बाद में उन्होंने हमारे शास्त्रों में पूरी मिलावट डालना शुरू कर दी, और उसके बाद में ऑब्वियसली उससे पहले तो मुगलों ने कोशिश की उसमें मिलावट करने की, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने मिलावट डालने के बाद में हमारे यहाँ आज के दिन में जो दंगा फसाद होते हैं। तो ये जो दलित ये शब्द है, ये हमारे भाई है, हमारे खून के है, उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, और जो इतने भी मोमिन है आज के दिन में ये भी सनातन संस्कृति में ही पैदा हुए हैं। अगर इनका डीएनए आप चेक करो तो इन्होंने जिसने तलवार के जोर पे सलवार पहन ली और किसने जिजिया नहीं दिया वो मुसलमान बन गया, वो वाली बात है। अभी आप देखिए फारूक अब्दुल्ला, वो कौल नामक 4 पीढ़ी पहले वो कौल था, बैरिस्टर जी ना, अभी हर एक के अगर इतिहास में जाओ तो आपको पता चलेगा कि इनके सब पूर्वज सो कॉल्ड हिंदू थे, और हिंदू भी कोई गलत शब्द नहीं, जी जी हिंदू मतलब बिल्कुल। वो जीवन प्रणाली है। जी अच्छा यहाँ आप कुछ कहना चाहते हैं? पर एक महिला को ज्वाइन किया, इनके यहाँ भी बैकग्राउंड जो है, इनके फादर भी आर्मी में बड़े ऑफिसर थे, इनका रब्बानी के नाम से आई हैं, इनके साथ नमस्ते। तो बहुत बुरा लव जिहाद हुआ है। तो खैर एक मोमिन से शादी कर ली थी गलती से, ये बाहर किसी फॉरेन कंट्री में थी, तो फिर बाद में पता चला वो शादीशुदा भी निकला है, लेकिन जब एक्स मुस्लिम शुरू हुए तो रब्बानी साहेबा ने अच्छे से जाना तो और इस्लाम को एकदम त्याग दिया और अपने बच्चों को भी मतलब इस्लाम की परछाई से भी दूर कर लिया। रब्बानी जी कुछ पूछना चाह रही थी या कह रही थी मुझसे कुछ, इनसे कहो, तो मैंने सोचा कि आप खुद पूछ लें। रब्बानी जी आपके बच्चे थोड़ा सा शोर कर रहे हैं जय हिंद जी, सर। स्वागत है आपका। जय हिंद बोला रब्बानी जी ने आपको। सुरेश जय हिंद, जय जय हिंद जी रपाल जी, जय जय हिंद, जय हिंद नमस्ते सर, नमस्ते भाई। जय हिंद सर, कैसे?
नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्ते सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। मैं कब से सुन रही हूँ, बहुत मोटिवेट भी हो रही हूँ। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही सर? नहीं नहीं सुन रहा हूँ मैं, आप बोलिए मैम। मैम बोलिए प्लीज। हेलो, इमरोज जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी? अरे आ रहा है बहन, बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। रपानी जी आपकी आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क में दिक्कत है क्या आपके? शायद नेटवर्क में दिक्कत है कोई उनके, चलिए कहीं। तो सर हमें अभी ये घंटा हो चुका है, कुछ सेकंड बचे हैं और आगे तो लास्ट पॉइंट में ये पूछना चाहूंगा आपसे, फिर इस्लाम कबूल करते करते आप कैसे बच गए, वो पॉइंट रह गया। हाँ तो मैं कह रहा था ना, वो यहाँ पूना में, पूना कॉलेज के ग्राउंड पे बहुत बड़ा मजमा लगता था, वो स्टेज ही 10-15 लाख का, उतना भारी स्टेज और ये वो साउंड, ये वो देख दाख के। और तो फिर जिस तरह से उन्होंने बताना हेलो, शुरू जय किया, हिंद सर। जय हिंद जय सॉरी हिंद। आई इंटरप्ट यू, कैसे सर आप? आपको सुन के इतना बस मोटिवेशन मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। सीरियसली आई प्राउड ऑफ यू भी आपसे बात हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आपके मंच पे बोलते हैं और हमारे जैसे लोगों को सनातन का भी पता चलता है, अपने इंडिया का भी पता चलता है। सर आपने सुना होगा यूक्रेन में जब हम स्टूडेंट्स काफी लोग वहां फंस गए थे, तो दूसरी कंट्री के भी इंडियन फ्लैग लेके निकले थे वहां से, कोई भी उनको बचाने नहीं आया था, याद होगा शायद आपको। यही जी जी एरका जी बात है। जी 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 देखिए मैं कह अपने रहा हूँ ना, इंडिया का नाम। जी, आप जी जी बोलिए। अमेरिका में भी बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे वो इंडियन करके बताते हैं, ताकि इंडियन का मतलब हमारे हमारा जो महत्व है इंडिया का, दुनिया को अभी पता चलने लगे। अभी देखो 150 देशों में आज के दिन दिवाली सेलिब्रेट के करते हैं, और न्यूयॉर्क में जो यूएनओ की बिल्डिंग है वहां दिए लगाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है। आज योगा दुनिया भर हो रहा है, आज तो हम विश्व गुरु पुनः बनाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। देखिए मैं इससे पहले भी कह रहा था कि जो हमारे मुस्लिम भाई है उन्होंने समझना चाहिए कि इस देश को और उन्नत बनाना है, तो आप तो यहाँ राष्ट्रपति बन सकते हो, क्रिकेट का कैप्टन बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। हालांकि 57 देशों में ये कहीं नहीं है, ये बाकी सो कॉल्ड हमारे सनातनियों को। और सनातन का अर्थ मैं तो कहता हूँ, हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम है उनको सनातन का अर्थ समझना चाहिए, जो हमारे महेंद्रपाल आर्या जी हमेशा बताते हैं, सॉरी सनातन सर, यानी यूक्रेन सर। के अंदर आपने सर सॉरी सॉरी रशिया के जी अंदर आपने देखा है अपना वृंदावन में, मथुरा में, सब ये रशियन जो भी है सब वहां पे घूमते हैं। सर अब तो रशिया के अंदर ऐसा हो गया कि हर गली में आपको कृष्णा जी का जाप करते मिलेंगे वो गोरे लोग। इतने अच्छा मंदिर बना के, ढोलकी लेके, काफी इंस्ट्रूमेंट लेके ना वो लोग बहुत वो करते हैं, प्रचार करते हैं इसका। बहुत लोग गोरे लाइक सनातनी धर्म में आ रहे हैं अभी। रशिया की मिसाल आप देख लीजिए, रशिया में हर 3 दिन में 2 सनातनी बन रहे हैं लोग, ऐसा है। और इंडिया में आते हैं तो मथुरा वृंदावन में पूरा आपने देखा होगा शायद, हरिद्वार जी हो जी गया, वृंदावन हो गया, वहां पे आपको यही सब देखने मिलेंगे। अब तो वैष्णो नहीं देवी में भी नहीं सब वही घूम। जी, नहीं दुनिया की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है, और हमारे सबसे पुराने वाराणसी और हरिद्वार ये सबसे पुराने जगह है जहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन था, और ये हमारी संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति है, यहाँ किसी के गला काटने की बात नहीं होती। लेकिन मजों में, मजहब तो क्या होता है, मजहब का कोई एक संस्थापक होता है, उसकी एक किताब होती है, तो ये जैसे नेचर का या निसर्ग का उसूल होता है कि जो पैदा होता है वो खत्म भी हो जाता है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति जो है ये इसका कोई संस्थापक नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति का, एक मिनट आवाज आ रहा है, हाँ जी, सर आ रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में एक किताब नहीं है, इसलिए ये अनादिकाल तक चलते रहेगा। बाकियों के उनका कोई किताब होता है, कोई लिखने वाला होता है, कोई उसका संस्थापक होता है, तो इसका मतलब उसका जन्म होता है। तो निसर्ग की रचना यह है कि जो जन्मता है वो मरता भी है, तो आगे चल के ये मजहब खत्म होने वाले हैं, लेकिन सनातन संस्कृति चलने वाली है। जैसे अभी एक्स मुस्लिम जो चल रहा है, तो अभी मैं कई लोगों को मिलते रहता हूँ, तो बात सही है, तो बहुत सारे जगह पे तो मैं सुनता हूँ कि ये तो सुनामी आने वाली है एक्स मुस्लिम्स की, और सब सनातन संस्कृति में आएगा। सनातन में कोई
पाद्य पूजा और मूर्ति पूजा नहीं है, मतलब वेदों में सही मायने में, लेकिन अभी क्या है लोगों को समझ में थोड़ा सा आ चुकी है, मेबी 30% इंडिया में तो आ चुकी है एक्स मुस्लिम की। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते बिहाइंड द सीन, ये लोग हो गए हैं सर, लाइक एक्स मुस्लिम हो गए हैं लेकिन स्क्रीन पे नहीं आते। जैसे हम जैसे लोग आ रहे हैं ना, तो बहुत लोग निकल से जा रहे हैं वो चीज में, लाइक बाहर आ रहे, खुल के बाहर आ रहे, समझ में आ रहा है सर। सर देखिए तुलसीदास जी ने पूरा गैलेक्सी का वर्णन कर दिया उसने, लाइक तुलसीदास जी थे ना जो अपने, उन्होंने देखिए गैलेक्सी वो 16वीं शताब्दी में उन्होंने गैलेक्सी का पूरा वर्णन कर दिया था। आज ये लोग ये बता रहे हैं, और लोग इस्लाम में बता रहे हैं कि धरती है ना वो फ्लैट है, और उसके ऊपर बहस करने आते हैं हमारे साथ लोग यहाँ पे। जी 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 नहीं चलो ये अज्ञानी, देखिए ये अज्ञानी है, इनको समझाना है, आपका कर्तव्य बनता है। देखिए अभी कैसे है कि ये इंसानियत की बात करनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि भाई यहाँ तो कोई किसी का आवडम नहीं, यहाँ इतनी छूट है आपको। अभी यहाँ इस्लाम में तो मैं तो कहता हूँ हर एक मोमिन से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर जिस तरह से 40 बार जिहाद की बात होती है तो थोड़ा दुख होता है। अभी देखिए अभी पाकिस्तान आर्मी वाले, अभी मैं आर्मी वाला हूं तो मैं जानता हूं, आर्मी उधर आर्मी में यही बताया जाता है कि ये हमको गजवाए हिंद करना है, और जब से 1000 साल से गजवाए हिंद ही चलते आ रहा है। अभी देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर की मिसेज वो जाके गरीब नवाज वाला जो भी है उसके वहां जाके चादर चढ़ा रही है। अरे पागलपन है, हमारे हिंदू को भी अक्ल तो नहीं है ना। हिंदू यानी ये संस्कृति है, एक जीवन प्रणाली है, तो हिंदू यानी कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हालांकि तभी भी हमने कब्रों पे जाना है, ये गुनाह है इस्लाम में भी। कब्र पे जाना मतलब कब्र हराम है इमरोजी। जी जी बहुत अच्छा सर, और मेरे ख्याल से सारी बातें कंप्लीट हो गई है, और कोई पॉइंट अगर आपके जहन में हो तो बताइए। और एक प्रश्न इन्होंने पूछा था जय भीम और जय नीम वाला, तो हमने हमारे सभी ये भाई जो है उनके मन में जो ये लोग जहर डाल रहे हैं, हमारे ये भाइयों को वापस समझाना चाहिए, और मुस्लिम बच्चों को भी समझाना चाहिए। अभी देखिए मेरे जो छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड में मेरे साथ बहुत सारे मुसलमान बच्चे आया करते थे, लेकिन 5 साल से जब से MIM आ गया तो मेरे साथ जो भी लड़के अच्छे बनना चाहते थे वो फिर वो ध्रुवीकरण हो गया, फिर वो वापस चले गए। तो देखिए हमको ये देश को विश्व गुरु बनाना है, हमने गरीबों के आंसू पोंछने, हर एक को अच्छे दिन आने चाहिए। जैसे 1835 में कहा ना कि हर घर में दिवाली जैसा माहौल है इस देश में, और यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था इतनी अच्छी है कि 97% लोग ज्ञानी है, मतलब साक्षरता है, और हमारा GDP 40 से 45 था, आज 5 के ऊपर 7 के ऊपर भी नहीं जा रहा। तो इसको तो लूटा है, सभी ने लूटा है, बहुत अच्छी तरह से लूट लूट के लेके गए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमने पुनश्च दोबारा विश्व गुरु बनना है, और हम बन के रहेंगे, और आपके जैसे और हमारी बहन जैसे हमारे सभी ने मिलके इस देश को बनाना है, और जो मोमिन है उनको समझाना है कि सच्चाई क्या है। भाई तू ये सिर को ताला लगा के मत उसको पढ़ो, उसको समझ लो क्या है, उसमें अच्छाई क्या है। अभी देखिए जी जी इमरोज भाई जी कहिए हम नहीं बोलिए आप नहीं कहिए आप कहिए, बस मैंने कहा था जी बिल्कुल आपकी बात पर। हाँ तो ये मैं तो सबसे विनंती करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, देखिए हम हाथ भी जोड़ते हैं, हम लोग सैल्यूट करते हैं, अभी इसका भी मीनिंग मैं बताता हूँ, हमारी बहन को तो मालूम होगा लेकिन क्योंकि वो फौजी बैकग्राउंड के है, ऐसा का मकसद ये है। देखो हम लोग जब रात को सेंट्री ड्यूटी करते हैं तो हमें सीनियर ऑफिसर जब आता है विजिट करने के लिए तो हम लोग दाहिना हाथ दिखाते हैं कि भाई देखो मेरे हाथ ट्रिगर पे नहीं है, मैं मेरा उंगली आपको दिखा रही है तो मैं आपका दोस्त हूँ, इसलिए हम लोग सैल्यूट करते हैं, क्योंकि अंधेरे में रात में पता नहीं चलता कि कौन दुश्मन है और कौन है। तो इसलिए अगर हमारा कोई आपस का है तो हम ऐसा करते हैं ताकि हमारी ये उंगली ट्रिगर पे ना हो। और तो ये छोटी छोटी चीजें से मायने रखते हैं हमारे सब संस्कृति में, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। देखिए अभी हम 89 में
मैं जब श्रीनगर वगैरह में हमारा पोस्टिंग था तो वहां हमारी गाड़ी रुक जाती थी, दो चार गाड़ी हमारी रुक जाती थी, तो वहां के लड़के बच्चे पत्थर मारते थे हमारे ऊपर। अगर यही चीज अगर आपके घर के तरफ या आपके गांव में चार पांच फौजी गाड़ी आ गई, रुक गई, तो आप लोग भाग भाग के कोई पानी पिलाएगा, कोई थम्सअप पिलाएगा, कोई दूध लाके देगा, कोई चाय लाके देगा। तो ये फर्क है उधर और इधर। अभी देखिए हमारा सौरव कालिया, कैप्टन सौरव कालिया, जो 99 के कारगिल वार में उसके उसको जब वापस दिया इन्होंने, तो कैसे दिया, उसके गुर्दे निकाले थे, उसके हाथ निकाले थे, उसके टुकड़े टुकड़े करके बक्से में डाल के दिए थे, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को इधर औरंगजेब ने किया था, एग्जैक्टली वैसे ही उन्होंने किया। लेकिन हमारे पास 71 वॉर का मैं आई विटनेस हूँ, 71 वॉर में हमने 93,000 पाकिस्तानियों को पकड़ा था, उनको हमने खिलाया पिलाया, 6 महीने उनकी सेवा की। हालांकि हम भी उस समय यूएसए से गेहूं आता तो वो खाते थे हम लोग, हालांकि तभी भी हमने उनकी सेवा की, किसी के नाखून को भी खरोच नहीं आने दिए, उनको वापस वापस कर दिए। लेकिन हमारे एक अफसर रह गया तो उसका उन्होंने चितड़े चितड़े करके दे दिया। और उनके इतिहास में सिखाते, वो कहते हैं कि हमको तो इंडिया को ब्लीड करना है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान वाले वो लड़ाई नहीं करना चाहते आपसे, और वो तो यूपी से भी छोटा देश है। अरे हम तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ तो सबसे अच्छे आर्मी में हम गिने जाते हैं। तो वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, वो क्या करते हैं, दो फिदाइन भेज देते हैं। सर आई इंटरप्ट यू, सर बोलते हैं ना दिल्ली की खाब में चीचड़े, वो वैसा सोचते हैं वो लोग, है कुछ भी नहीं उनके पास। हाँ, तो अभी देखिए उरी में हमारे जो 18 जवान उन्होंने कैसे कि मारे, मैं आपको बताता हूँ। तो वो दो फिदाइन भेज देते लॉन्च पैड से। अब पहले जमाने में जैसे बंदूक वगैरह लेके वो नहीं आते, अब वो लाते हैं छोटे से फॉस्फोरस बम जो जेब में डाल के लाते। तो दो बंदे आए और ये कहीं उधर जेएनके में किसी गांव में जाके 7-8 दिन रुक गए। और फिर रात को एक दिन 2 बजे अंधेरे में जाके हमारे जहां जवान सो रहे थे उधर ये इन्होंने वो फॉस्फोरस बम डाल दिए। तो ये जवान पापड़ के तरह जल के मर गए। अभी ये हमारे तक सिर्फ पता चलता है कि उरे में अटैक हुआ, उरे में यह हुआ, उरे में वो हुआ, लेकिन सच्चाई ही ये है। अभी हमारे देश में आज के दिन में 500 मैं तो कहूँ पाकिस्तान बन चुके हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं यहाँ पे बाकायदा क्रिकेट की टीमों के। बेशक बेशक भाई साहब, मैं देखता हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ बिजनौर से, वहाँ आज भी जब क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान के जीतने पर खुशी मनाई जाती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान के जीतने पर ज्यादा खुशी मनाई जाती है, क्योंकि इनके भाई जीत गए। देश को का कुछ मतलब ही नहीं है, इस्लाम में देश मतलब कुछ नहीं। हाँ, तो हमें फौज में तो यही सिखाता है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के लिए सब कुछ आपने न्यौछावर करना है। तो आपका एक प्रश्न था वो रह गया, तो मैं मुसलमान बनते बनते रुक गया, क्योंकि जब हम पंडित जी के सानिध्य में आए हमको सनातन की जब मालूमात होने लग गई, क्योंकि हमें देखिए संस्कृत सबसे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ओरिजिन है ये दुनिया का। लेकिन अब तो अंग्रेजी अमेरिका वालों ने, बिकॉज वो सुपर पावर है तो उन्होंने उसको कमर्शियल लैंग्वेज करके अंग्रेजी कर दिया, तो हमारे सब बच्चे अंग्रेजी पढ़ने लग गए। लेकिन संस्कृत तो हमने दरअसल इसमें एक ये भी है ना, ब्रिटिश का लगभग 73% दुनिया पर राज रहा, और जहां जहां से गया वो अपनी भाषा और अपना कल्चर छोड़कर गया। एक वजह ये भी रही सर इसमें इंग्लिश का लागू होने में। हाँ सही बात है, और उसके बाद में अभी अमेरिका सुपर पावर बन गए तो वो उन्होंने कमर्शियल लैंग्वेज बना दी, तो वो सब वो सीख रहे। लेकिन आज के दिन में हम जब छोटे थे तो हम संस्कृत सीखते थे, लेकिन बाद में संस्कृति खत्म, गायब ही, उड़ा खत्म कर दी। और अभी जर्मनी में संस्कृत लोग सीख रहे, जैसे हमारी बहन कह रही थी ना कि वहाँ कितने लोग रशिया में इधर उधर लोग बाग हमारी संस्कृति लेना चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति में जैसे बुजुर्गों के पांव छूना वगैरह वगैरह, ये बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हमारे पास है। आज भी सर मेरे घर में आज ही मेरे फैमिली यूरोप में रहती है, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा, हमारे इवन के भाभी तक संस्कृति में ही बात करते हैं नॉर्मली। घर में हम ब्राह्मण फैमिली से हैं और वो नॉर्थ साइड से हैं हम लोग, प्योर हमारी यही है संस्कृति, लैंग्वेज चलती है वहाँ पे, प्योर संस्कृति। और आज भी हमारे पेरेंट्स चप्पल नहीं पहनते, पैर में लकड़ी की चप्पल पहनते हैं, मोजरी बोलते हैं जिसको। जी सर, आपका चेहरा उल्टा हो गया, फोन ठीक कीजिए अपना, आपका चेहरा वैसा हो गया, वो कॉल आ गया ना तो उसके हो गया। एक बेटा
हाँ बहन बोलिए, सॉरी। नहीं सर, मैं वही बोलना चाह रही थी कि हमारे पेरेंट्स आज भी संस्कृति इतनी फॉलो करते हैं। मेरे मम्मी गवर्नमेंट टीचर रह चुके हैं और उन्होंने संस्कृति की पढ़ाई है स्कूल में, उन्होंने काफी काफी टाइम तक। और हमारे जो ब्राह्मणों में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो संस्कृति जरूरी पढ़ता है, पढ़ना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारी पुश्तों से चली आ रही जो वो है ना, तो वो अब तक कायम रखा है उन लोगों ने। और हमारे बहुत परिवार आज भी ऐसे हैं जो संस्कृति की। जी जी अब कंटिन्यू कीजिए। नहीं वो अच्छी बात है, वो होना ही चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई, वेरी नाइस वेरी नाइस। इमरोज भाई, और हमारे भाई के बच्चे, बहनों के बच्चे, उनको भी एक सब्जेक्ट घर में संस्कृति में पढ़ाते हैं, वो प्रणाम करना सारी वो पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, वो लोग संस्कृति बराबर फॉलो करते हैं वहाँ यूरोप में रह के भी। वो इतना बड़ा काम है उनके लिए। कीजिए भाषा भाषा कोई भी सीखिए, लेकिन साथ में अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, इनको भी साथ में लेकर चलिए, इन्हें भी मत भूलिए। जैसे ऋषि सुनक जी अगर यहाँ के प्रधानमंत्री बने तो वो बाकायदा गीता रामायण पढ़ते हैं, तो वो अपने भारतीय संस्कृति को नहीं भूले। जी 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 एक मिनट जी लेकिन सर, उसमें डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई, आप दूसरी आईडी से भी एक और आ गए, दोबारा से कनेक्ट हो गए, तो मेरे ख्याल से बातें हमारी पूरी हो चुकी है ना सर जी। तो अभी जो है चलना चाहिए। और रब्बानी साहिब आई, आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सर ने मेरे वास्ते इतना वक्त निकाला, करने का मौका दिया। थैंक यू सर, मैं भी जाऊंगी सर। जय हिंद, वंदे मातरम सर, आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिली। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। जी जी वेलकम वेलकम। तो चलिए सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। जय हिंद। तो सर चलिए लिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम।